चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बगहा से है, जहां पर तेज आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ये बगहा की तस्वीर है। ये तस्वीर अपने आप में ठंडक और सुकून देने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरे बिहार झारखंड में गर्मी, भीषण गर्मी और तपिश भरी गर्मी से लोग परेशान है, ऐसे में बगहा में यहाँ पर तेज आंधी और बारिश हुई है। और ये तस्वीर वाकई में ठंडक देने वाली है, राहत देने वाली है। लोगों को राहत मिली है, बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। और इसी के साथ साथ अब उम्मीद भी जताई जा रही है कि आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी राहत मिलेगी, गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन फिलहाल गर्मी में जो लोगों की जो राहत है इसके अलावा मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये सिर्फ बगहा की तस्वीर है। ये तस्वीर सिर्फ बगहा से सामने, हालांकि पूरे बिहार और झारखंड के लोग परेशान हैं, लेकिन ये तस्वीर वाकई में अपने आप में खास से रोचक है, क्योंकि बगहा में तेज आंधी बारिश से लोगों को राहत मिली है। और ये तस्वीर सुकून देने वाली तस्वीर आई है। पशु पक्षी, जीव जंतु और इंसान, सभी लोग खुश हैं, सभी को राहत मिली है ऐसे ठंड भरे मौसम से और आंधी पानी से। तो ये बगहा की तस्वीर आप देख रहे हैं। बगहा में तेज आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली, जहां एक तरफ बिहार और झारखंड में तपिश भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, वहीं जीव जंतु भी परेशान हैं, जीव जंतुओं की भी मौत हो रही है। और एक तरफ बगहा में बारिश हुई है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश सोनी हमारे साथ फोनलाइन से जुड़ चुके हैं। राकेश सोनी, ये वाकई में तस्वीर दिल को सुकून देने वाली, क्योंकि एक तरफ पूरे बिहार झारखंड में तपिश भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बगहा में तेज आंधी और बारिश हुई है। अभी बगहा की कैसी तस्वीर सामने, मौसम कितना वहां पर सामान्य हुआ है? ये बताते कि बगहा में तेज आंधी और बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है, लेकिन उसके आंधियों के कारण बिजली भी लगभग 12 घंटा से बगहा में गुल है। बगहा मंडल में सैकड़ों गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। जगह जगह पेड़ भी गिरे, जिसे आवागमन भी बाधित हुआ है। नगर में भी कई जगह पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हुआ था, लेकिन प्रशासन और नगर प्रशासन द्वारा तुरंत सारे पेड़ों को हटा दिया गया है। और बिजली विभाग के जो कर्मी है वो विद्युत सुचारू करने के लिए लगे हुए हैं। तो बता दें कि जो उमस भरी गर्मी था, जो पूरे तरह से लोग बेचैन थे, बारिश के बाद लोगों ने राहत लिया है। अब देखना है कि जो इसके बाद मौसम का जो तापमान रहेगा उसे कितना पर राहत मिल रहा है, लेकिन अभी मौसम पहले से काफी सुधार हुआ है, लोग राहत ले रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।